नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एशियन क्लास में। दोस्तों आज आपके लिए मैं रीजनिंग की स्पेशल क्लास लेके आया हूँ। स्पेशल दोस्तों इसलिए क्योंकि मैंने आपको मैथमेटिक्स में काफ़ी हद तक कुछ सिखा दिया है और काफ़ी चैप्टर आपको दोस्तों करा भी दिए, लेकिन आज हम सीखने वाले हैं रीजनिंग का एक ऐसा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम दोस्तों होती है कि इसके क्वेश्चन को सर कैसे सॉल्व करें। अगर हम UPSC 2017 का एग्ज़ाम देखें तो उसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि 90% स्टूडेंट ने उसको क्वेश्चन को किया ही नहीं था। गलत की तो बात दूर रही, किया ही नहीं था। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों वर्ड फॉर्मेशन बाय परम्यूटेशन। पहली बात तो भैया इसका नाम ही इतना लेंथी है टॉपिक का, हिंदी में देखें तो कर्मचय द्वारा शब्द निर्माण, और भी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। लेकिन दोस्तों इसको मैं बहुत ही बारीक से प्रॉपर तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज समझाने वाला हूँ, जिससे दोस्तों आज के बाद इस टॉपिक में से आप कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आओगे और बहुत ही अच्छे तरीके से उसको चुटकियों में सॉल्व करोगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, लेकिन इसके लिए थोड़ा समय फैक्टोरियल को समझना पड़ेगा। ध्यान से देखना, हमको क्या समझना है यहाँ पे फैक्टोरियल दोस्तों आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होता है फैक्टोरियल। देखिए मैंने कहा 1 का फैक्टोरियल, मैंने कहा 2 का फैक्टोरियल, मैंने कहा 3 का फैक्टोरियल, मैंने कहा 4 का फैक्टोरियल, मैंने कहा 5 का फैक्टोरियल, मैंने कहा 6 का फैक्टोरियल। ठीक है, देखिएगा 1 का फैक्टोरियल होता है 1, 2 का फैक्टोरियल होता है 2 × 1। अब भी नहीं समझ में, देखिए अगर नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है और इन्फाइनिट तक जाती है, मैथमेटिक्स में मैंने आपको समझाया था। दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फैक्टोरियल का मतलब है कि जिस नंबर पर फैक्टोरियल लगा हुआ है उसमें आपको नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई में लेना है घटते हुए क्रम में। ध्यान से देखना, जैसे यहाँ 3 फैक्टोरियल है तो आपको 3 लिख देना है, 3 के बाद 3 से पहले क्या आता है 2, 2 से पहले क्या आता है 1, नेचुरल नंबर। ठीक है, घटते हुए क्रम में 4 फैक्टोरियल का हमने 4 × 3 × 2 × 1। 5 लिखा दोस्तों मैंने 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, मैंने 6 को लिखा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। मैंने 1 का 1 लिखा, 2 × 1 2 हो गया, ये 6 हो गया, ये आपका 24 हो गया, ये आपका 120 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 720। ये तो हो गया दोस्तों फैक्टोरियल। अब इसकी ज़रूरत क्यों है भाई, ज़रूरत है तभी तो मैंने आपको ये बताया है। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहली बात अब इसको समझते, क्रमचय द्वारा शब्द निर्माण है क्या। इसमें दोस्तों मेरी बात को ध्यान से सुनना, डेफिनेशन के तौर पे मैं आपको बताऊं, बहुत ही प्रॉपर तरीके से देखिएगा। इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, चाहे उनका कोई अर्थ प्रकट हो या ना हो। अब ये डेफिनेशन भी ऐसी हो जाती है कि कन्फ्यूजन ना हो तो हो जाए। ठीक है, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन के जरिए समझाऊंगा। पहले थोड़ा सा मैं एक शब्द यहाँ पे लिखता हूँ और इसी शब्द से आपको क्वेश्चन बना के समझाऊंगा। जैसे मैंने लिखा दोस्तों यहाँ पे बॉय, एक शब्द लिख दिया मैंने, एक वर्ड लिख दिया बॉय, और मैंने कहा, देखिए ध्यान से क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा। मैंने कहा शब्द बॉय के अक्षरों से कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं, लेकिन विभिन्न शब्द का मतलब क्या है उसको समझ लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, विभिन्न शब्द देखिए, मैंने वाई को यहाँ रखा, ओ को यहाँ रखा, बी को यहाँ रखा, लेटर तो 3 ही थे भाई, मैंने बी को यहाँ रख दिया, वाई को यहाँ रख दिया, ओ को यहाँ रख दिया, आई की नहीं बात समझ। अब देखिए बाई ओ भी कोई मीनिंग नहीं होती, और जिसका ना कोई सेंस भी निकलता है, या बी बाई ओ ये भी कुछ नहीं होता, इसका भी कोई सेंस नहीं निकलता है। तो हमने जो डेफिनेशन पढ़ा था वो पढ़ा था, इस प्रकार के प्रश्नों में अक्षरों को बेतरतीब ढंग से व्यवस्थित किया जाता है, चाहे उनका अर्थ प्रकट हो या ना हो, उनका अर्थ प्रकट हो या ना हो। तो अर्थ प्रकट हो या ना हो, अब ऐसे बार बार पे आप शब्दों को तो रखेंगे नहीं। अगर ऐसे बार बार पे दोस्तों अगर आप शब्दों को रखने लग गए तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। देखिएगा ध्यान से, सबसे पहले हमको क्या चेक करना, सबसे पहले हमको देखना है कि भैया यहाँ पे जो शब्द दिया है इसमें लेटर कितने हैं, लेटर कितने हैं, मतलब शब्द दोस्तों यहाँ पे कितने हैं। ठीक है, और कोई शब्द रिपीट तो नहीं हो रहा, यहाँ देखिए कोई शब्द रिपीट हो रहा है, बी ओ वाई कोई रिपीट नहीं हो रहा, एक एक बार है तीनों के तीनों। ठीक है, तब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, शब्द कितने भैया यहाँ पे हैं 3,
बच्चा ही बता देगा कि सर सब तीन शब्द हैं, एक दो तीन गिन के बता देगा, नर्सरी क्लास का बच्चा बता देगा। तो आपको क्या करना है, जितने शब्द हैं उन पर फैक्टोरियल लगा देना है, ठीक है। तो तीन फैक्टोरियल थ्री का मतलब मैंने आपको समझा दिया था, इंटू टू इंटू वन आंसर आ जाएगा सिक्स। कितना सिंपल है दोस्तों, है कि नहीं, कितना ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, आप आसानी से कर पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन आप कहेंगे सर ये तो बहुत ही सिंपल था, सभी जितने भी पैटर्न्स में बनते हैं यूपीएसआई का लास्ट ईयर का क्वेश्चन भी मैं आपको चुटकियों में सॉल्व करके बताऊंगा इसी तरीके से, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, तरीके से क्या तरीका है ये, यही करने का और कोई दूसरा तरीका है भी नहीं है। देखिएगा ध्यान से, अब मैं इसको यहाँ से दोस्तों रफ़ कर देता हूँ, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। रफ करने से पहले मैं फैक्टोरियल भी रफ़ कर देता हूँ, फैक्टोरियल आपको समझ में आ गया होगा फैक्टोरियल है क्या, ठीक है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ते हैं उसको समझते हैं। देखिएगा, शब्द पावर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जाते हैं। अभी हम सिंपल क्वेश्चन करना है जिसमें नंबर रिपीट, अल्फाबेट रिपीट होंगे, वो अभी हमने नहीं स्टार्ट किया है। ध्यान से देखिएगा, शब्द पावर के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है साइड में और आपको यहाँ पर ऑप्शन भी साथ ही साथ, पावर बात कर रहा है किसकी, पावर की। देखिएगा पावर की, ठीक है, शब्द क्या दिया है दोस्तों आपको, पावर। अब सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, इसमें चेक करना कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई रिपीट तो नहीं हो रहा, कोई रिपीट नहीं यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, लेटर पता करने के, भैया लेटर कितने हैं इसमें, मतलब आपके शब्द कितने हैं, सॉरी अक्षर कितने हैं, शब्द तो एक ही है, अक्षर कितने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, एक दो तीन चार पाँच, तो आपको लेटर पता चला यहाँ पे कितने हैं, पाँच, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा पाँच और यहाँ पे लिखा फैक्टोरियल और आपने इसको सॉल्व कर दिया कि पाँच गुणा चार गुणा तीन गुणा दो गुणा एक बराबर कितना आएगा, चौबीस पंजा एक सौ बीस, 120 आपका दोस्तों यहां पे आंसर आ जाएगा। ऑप्शन आप चेक कर लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही, ठीक है। ये दो क्वेश्चन हो जाते हैं जो कि सिंपल हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, एक चीज और मैं आपको दोस्तों बता दूं यहां पे, आप ऐसा मत कीजिएगा एक क्वेश्चन आपने सीखा और वीडियो को स्किप कर दिया, छोड़ दिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप टीचर हैं तो आसानी से समझा भी पाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद भैया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब नेक्स्ट जो टाइप है इसका उसको समझते हैं। नेक्स्ट जो टाइप है वो है दोस्तों आपका, जब अल्फाबेट एक से अधिक समय आए हो, एक से अधिक बार प्रयोग किए गए हो, जब अल्फाबेट एक से अधिक बार, ठीक है, एक से अधिक बार आए, ठीक है। तो इसके लिए हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और आपको समझाएंगे भैया क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पहला ही ले लेते हैं, बचपन से आप एप्पल का स्पेलिंग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो शब्द एप्पल के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो हमें जो शब्द दिया है वो दिया है एप्पल, ठीक है, क्या दिया है दोस्तों, एप्पल आपको यहाँ पे दिया हुआ है। अब देखिएगा, सबसे पहला काम कि आपको पता करना है कि लेटर कितने हैं, तो लेटर है वन टू थ्री फोर फाइव, लेटर फाइव है, लेकिन हमने यहाँ देखा तो एक लेटर दो बार भी रिपीट हो रहा है, ये भी तो देखना है। मैंने आपको बताया था भैया ये भी देखना है कि लेटर कितने हैं और आपको ये भी देखना है कि कितने बार रिपीट हो रहा है, कौन सा लेटर कितने टाइम रिपीट हो रहा है। ध्यान से देखिए, लेटर कितने हैं, एक दो तीन चार पाँच, पाँच, ठीक है। रिपीट होने वाले क्या हैं, ध्यान से देखिएगा, रिपीट मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, पी कितने बार रिपीट हो रहा है, दो बार, तो आप दो बार यहां पे पी लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैंने बताया था कि जितने लेटर हैं उतने पे आप फैक्टोरियल लगा दीजिए, ठीक है दोस्तों। दूसरा दोस्तों ध्यान से, यहां से आपको अपॉन में कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, क्यों लिखना पड़ेगा भैया, रिपीट हो रहे हैं उन क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं लिखा नीचे, क्योंकि वहाँ कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा था, यहाँ पे रिपीट हो रहा है पी, और पी कितने टाइम दिया है दोस्तों, दो, तो आपको यहाँ पे दो फैक्टोरियल लगा देना, ठीक आए दोस्तों बात समझ। अब इसको दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो आपको पता चला, यहाँ से यहाँ कर देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बता, देखिए ध्यान से, फाइव फैक्टोरियल का मतलब फाइव इंटू फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन,
अपॉन, ये टू का आपका टू, टू से होगा टू क्रॉस, पाँच चौका बीस, बीस दिया हो जाएगा साठ, और साठ आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन दोस्तों आप कहेंगे कि सर इसमें तो एक ऐसा मीनिंग था एप्पल जो हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, और यहाँ पे पी दो बार रिपीट हो रहा है, अगर एक से ज़्यादा लेटर रिपीट हो रहे हो या फिर ई दो बार रिपीट हो रहा है या एल दो बार रिपीट हो रहा है तो कैसे करना, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूँ, देखिएगा ये सी सेट का पेपर है, सी सेट का क्वेश्चन है जो आपको मैं नेक्स्ट बताने वाला हूँ, ध्यान से देखिएगा। और जब मैं क्वेश्चन कराऊँ दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा साथ ही साथ, उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है, ठीक है। इससे क्या होगा आप प्रैक्टिस करते तो आपके पास क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बैलून के अक्षरों से कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, बैलून के अक्षरों से एक शब्द दिया है बैलून, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, आपको दिया है बी ए डबल एल डबल ओ एन, ठीक है, ये शब्द दिया है, ठीक है। सबसे पहला काम ध्यान से देखिए, सबसे पहला काम कि आपको लिखना है कि भैया लेटर कितने हैं, और कमेंट करके मुझे इसका आंसर और बताइएगा आप अगर कर सकते हैं तो, ठीक है। लेटर बताने हैं कि लेटर कितने हैं, ठीक है, लेटर कितने हैं ध्यान से देखिए। तो हमने लेटर गिना यहाँ पे, एक दो तीन चार पाँच छः सात लेटर हैं भैया मेरे साथ, ठीक है। और रिपीट होने वाले जो लेटर हैं वो हैं आपके दो एल दो ओ, दो एल और दो ही क्या हैं आपके ओ, ठीक है, दो एल हैं और दो आपके ओ हैं, ध्यान से देखिएगा। अब आपको सॉल्यूशन कैसे करना है, ठीक है, सात लेटर हैं तो सात फैक्टोरियल आपको लिख देना है, ठीक है, अपॉन एल दो बार आ रहा है तो दो फैक्टोरियल, ठीक है, ओ दो बार आ रहा है तो दो फैक्टोरियल। देखिए बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। अगर यहाँ पे दो एल मैं लिख दूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दो ओ लिख दूँ नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहाँ से देखिए सेवन फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा दो एल हैं तो दो फैक्टोरियल, दो ओ हैं तो दो दो फैक्टोरियल, अगर यहाँ पे तीन ओ होते तो तीन फैक्टोरियल यहाँ पे लिखते, चार नंबर बार बार पे रिपीट हो तो चार बार आपको यहाँ फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान से। अब देखिए सेवन इंटू सिक्स इंटू फोर फाइव, सॉरी फाइव सिक्स से पहले फाइव, फोर थ्री टू वन, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये हो गया दोस्तों आपका टू फैक्टोरियल का टू इंटू वन, और टू फैक्टोरियल का टू इंटू वन, ठीक है। यहाँ से देखिएगा अब आपको कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई सीधा सीधा आपको करना है। देखिएगा पाँच फैक्टोरियल तक होता है आपका 120, 700 कितना हो गया आपका 20, ठीक है, 120 720 हो गया, और 720 में आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 का तो हो जाएगा 0, 7 दुना 14 और 70 नीचे 50, 50 40 नीचे कितना है आपका 2 दुना 4 हो जाएगा, ठीक है। 4 से हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकमा 4, और यहाँ हो जाएगा 4 दुना 8, 4 छिंगा 24, 0 1260 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो कितने शब्द बन सकते हैं दोस्तों, 1260 बन सकते हैं, ठीक है। बहुत ही छोटी सी क्लास में आपको मैं यहाँ बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एक घंटे का वीडियो बना दूँ और फालतू को बहुत कुछ इसमें भर दूँ, क्या जो तो बड़ी जो चीज़ आप ओनली सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हो उसके लिए मैं आपके लिए इतना टाइम वेस्ट क्यों करूँ, सोचने वाली बात तो यही है ना, ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं जब भी कोई क्लास बनाता हूँ तो उसमें फालतू का आपको कुछ नहीं बोलता, फालतू का मतलब आपको कोई कहानी, आपको कोई शायरी, आपको कोई डायलॉग, भैया इनके लिए आपके पास टाइम नहीं है, इनको आप बाद में कर लीजिएगा। इसलिए मैं आपको जो भी प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ उसमें पूरा कॉन्सेंट्रेट आपका रहे, इसीलिए, ठीक है। अब बीच में हंसाने लग जाऊँ क्या फ़ायदा है, बाद में हंस लेना आप भाई, यूट्यूब पर हजारों वीडियो हंसने के लिए, उसमें से हंस लेना, ठीक है। देखिएगा ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आने वाला है स्वर तथा व्यंजन के आधार पर, ध्यान से देखिएगा इसको बड़े बारीक से आपको समझना, स्वर तथा व्यंजन के आधार पर। स्वर तथा व्यंजन के आधार पर एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको लिखेंगे, उसको करेंगे सॉल्व, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आपका शब्द दहली के अक्षरों से
उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हो, स्वर हमेशा एक साथ हो। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, शब्द दिया आपको दहले, शब्द दिया है दोस्तों आपको, वर्ड दिया है दहले। ठीक है, दहले आए दोस्तों बात समझ में, दहली शब्द दिया है। सबसे पहला काम आपको क्या करना था वो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले लेटर गिनना है। ठीक है, पैटर्न आपके लिए मैं वही करूँगा जो आपको स्टार्टिंग पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, पैटर्न कोई मैं चेंज नहीं करता। लेटर आपको दिए हैं दोस्तों यहाँ पे 1 2 3 4 5, पांच यहाँ पे लेटर आपको दे दिए। ठीक है, पांच लेटर देने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, आपको इन लेटर को नहीं लिखना। अब जब उसने कहा है कि उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हो, मतलब वॉवल एक साथ आ रहे हों आपके, तो अगर हम पांच फैक्टोरियल से क्वेश्चन सॉल्व करते तो हमें नहीं पता चलेगा भैया वॉवल एक साथ कितनी बार आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये तो हम लिखेंगे, लेकिन दूसरी बात ध्यान से देखिएगा, लेटर कितने हैं पाँच, बड़े बारीक से समझना, लेटर कितने हैं पाँच, देखिएगा 1 2 3 4 5, यही है मेन पॉइंट समझने वाला, ध्यान से देखिएगा। और आपके जो वॉवल हैं, वो आपके जो स्वर हैं, वो कौन कौन से हैं इसमें, एक तो ई है और ये आपका आई है, ये आपको पता होना चाहिए, ई और आई। ठीक है, अब कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं एक साथ आए तो, ठीक है ध्यान से देखना, या तो इस जगह एक साथ हो सकते थे, या इस जगह, या इस जगह, या इस जगह, देखिएगा, या तो पहले दो लेटर यहाँ हो सकते थे एक साथ, या फिर दोनों एक साथ यहाँ हो सकते थे, या फिर दोनों एक साथ यहाँ हो सकते थे, ठीक है, या फिर दोनों एक साथ यहाँ हो सकते थे। ठीक है, चार बार हो गए, मेरी बात को बारीक से समझना मेरे भाई, चार बार हो सकते थे यहाँ पे। ठीक है, देखिएगा, एक बार यहाँ आ सकते थे, दूसरी बार यहाँ, दूसरी बार यहाँ, यहाँ पे तीसरी बार, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हों, स्वर दो दे रखे हों, दो स्वर एक साथ अगर आएंगे तो या तो इस जगह आएंगे, या इस जगह, या इस जगह, या इस जगह, तो कितनी बार आ सकते हैं, चार बार एक साथ। ठीक है, ये बात हो जाती है यहाँ से क्लियर। ठीक है, चार बार आ सकते हैं एक साथ। ठीक है, कितने बार आ सकते हैं एक साथ, एक साथ स्वर व्यवस्थित, ठीक है, स्थान, स्वर स्थान, स्थान मतलब प्लेस लिख लीजिए। ठीक है, कितने बार आ सकते हैं, चार बार, चार फैक्टोरियल आपको यहाँ पे लिख देना है, ये बात हो जाती है क्लियर। ठीक है, दूसरा ध्यान समझना, यहाँ पे अब आपको क्या करना है कि जो आपको वॉवल दिए हैं उन्हें किस प्रकार से रख सकते थे। देखिए, आपको वॉवल दिया है ए, ई और आई, या तो आई पहले होता, ई बाद में होता, या ई पहले होता, आई बाद में होता, दो यहाँ पे दो कंडीशन ये बन सकती हैं। ठीक है, कितनी कंडीशन बन सकती हैं, दो कंडीशन, तो दो फैक्टोरियल ये हो गया। अब आपको क्वेश्चन में इसका कोई यूज नहीं करना है क्योंकि उसने वॉवल की बात की है, अब आपको इनको करना है, ध्यान से देखिए, तो हमें निकालना है जिसमें स्वर हमेशा एक साथ हो, एक साथ स्वर, एक साथ स्वर, रिपीट करके एक बार देख लीजिएगा और प्रॉपर तरीके से आपको समझ में, एक क्वेश्चन भी करा दूंगा ऐसा, फिर UPSI का भी क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से देखिएगा, चार फैक्टोरियल और इनको लिखना है फिर मल्टीप्लाई में, टू फैक्टोरियल, चार फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 24, दो फैक्टोरियल होता है आपका दो, ये आपको बताना, बता दिया मैंने भैया कैसे फैक्टोरियल सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा आपका 48, जो कि हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही। ठीक है, आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि मैंने आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व कराया है। ठीक है, और आप रिपीट करके देख सकते हैं, और रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी आपको एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे करा देता हूँ और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ तो आपको एक एक पॉइंट समझाने की मेरी जिम्मेदारी है मेरे भाई। ठीक है, देखिएगा दोस्तों, यहाँ से थोड़ा सा बाहर से साउंड आता है, उस पर कॉन्सेंट्रेट ना करें, वो तो मेरी मजबूरी है क्योंकि साउंड आएगा ही आएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नेक्स्ट है, शब्द टेबल के अक्षरों से उस प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें व्यंजन एक साथ हो, व्यंजन हमेशा एक साथ हो, व्यंजन क्या हो, एक साथ हो। या तो आप ऐसा कीजिए, स्वर को निकालिए, स्वर को सॉल्व कीजिए, फिर व्यंजन को माइनस कर दीजिए, सॉरी स्वर को माइनस कर दीजिए, व्यंजन आपके आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिंपल तरीके से सोचना है। शब्द दिया आपको टेबल, शब्द दिया आपको टेबल, ठीक। अब यहाँ पे लेटर कितने हैं,
1, 2, 3, 4, 5 ये हम बार बार पे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि हमें व्यवस्थित करने के लिए लेटरों का पता होना चाहिए कि लेटर कितने हैं, 5। ठीक है, व्यंजन हमेशा एक साथ, उसमें स्वर एक साथ हो, इसमें व्यंजन। व्यंजन देखिए क्या क्या है इसमें, आप बताइए कि कंसोनेंट क्या क्या है मेरे भैया। कंसोनेंट मतलब व्यंजन क्या क्या है। एक तो आपका टी है, एक आपका बी है, एक आपका एल है, बाकी ये दोनों तो आपके स्वर हो गए, इनकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ध्यान से देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 एक साथ, ठीक है। या तो तीनों इस जगह आ सकते हैं, एक हो गया, या तीनों इस जगह आ सकते हैं, दो हो गया, ठीक है, या फिर तीनों दोस्तों इस जगह तो नहीं आएगी भाई, तीसरा कहाँ से लाएंगे, या तीनों इस जगह आ सकते हैं, तीन हो गए, ठीक है। तो तीन बार आ सकते हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, तीन बार एक साथ, तीन बार एक साथ, ठीक है, तीन बार क्या आ सकते हैं दोस्तों, एक साथ यहाँ पे ये आ सकते हैं, ये बात यहाँ से कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से तीन बार आ सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 3 factorial, ठीक है। दूसरा, मैंने आपको बताया जैसे स्वर हमने एक साथ देखे थे, अब यहाँ पे टी बी एल है, तो या तो बी आगे आ सकता है या टी, या तो टी आगे आएगा या बी या एल, तो तीन प्रकार से ये कंडीशन, और कंडीशन कितनी बन सकती है, तीन। कंडीशन कितनी बन सकती है दोस्तों, तीन। तो 3 factorial ये हो जाएगा, तब हम इसको सॉल्व करेंगे, 3 factorial into 3 factorial, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, 3 factorial का वैल्यू कितना होता है, 3 × 6 और ये हो जाएगा 6, ये भी हो जाएगा 6, ये हो जाएगा दोस्तों आपका 36, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर, ठीक है। ये हो गया दोस्तों पूरा पैटर्न। अब यहाँ पर हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन है, जो कि है UPSI का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का। उसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इसको बारीक से आपको समझना है, ठीक है, बहुत ही अच्छे तरीके से दोस्तों मैं आपको समझा रहा हूँ। तो दोस्तों आपका फर्ज बनता है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हमारे चैनल से अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब करते हैं दोस्तों क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, कितने अलग अलग तरीकों से शब्द कैपेसिटी के सभी अक्षर व्यवस्थित किए जा सकते हैं ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना आए, स्वर एक साथ ना आए, तो स्वर को हटा दीजिए, व्यंजन आपके निकल आए। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम बात करें कैपेसिटी के, कैपेसिटी शब्द दिया है आपको कैपेसिटी, ठीक है, देखिएगा ध्यान से। यहां पे देखिए तो लेटर कितने हैं दोस्तों, लेटर मैं आपको बता रहा हूं कि ध्यान से देखिएगा, लेटर जो हैं आपके वो हैं आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ लेटर, लेटर कितने हैं 8, ठीक है। दूसरा, उसमें कहा है कि ताकि सभी स्वर क्या हों, एक साथ ना, तो पहले तो हम इसके टोटल शब्द निकालेंगे, टोटल कितने बन सकते थे, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमने देखा तो 8, 8 कितने हैं फैक्टोरियल, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे मैं ब्लैक मार्कर का यूज करता हूँ, 8 फैक्टोरियल हमने रख दिया, ठीक है। रिपीट हमको निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें रिपीट दे रखे हैं भैया, एक तो सी है दो बार, एक ए है दो बार, तो दो तो सी हैं और दो ही क्या हैं ए, ठीक है। तो मेरे भैया दो तो सी हैं 2 factorial और दो तो ए हैं 2 factorial, इसको सॉल्व करते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 अपॉन 2 × 1 × 2 × 1, ठीक है। अब देखिएगा, मल्टीप्लाई दोस्तों आप करना जानते हैं, डिवाइड भी करना जानते हैं, तो इसका मैंने सॉल्यूशन पहले ही निकाल रखा है आपको समझाने के। देखिए जब कोई चीज़ आपको समझाए तो थोड़ा बहुत हमें भी पढ़ना पड़ता है, ये इसमें दोहराई वाली कोई बात नहीं है, हम भी आपको पढ़ के पढ़ाते हैं, ऐसा नहीं कि ऊपर से आसमान से टपका और नॉलेज अपने आप आ गई और आपको पढ़ाने लग गया, ऐसा कुछ नहीं है, हमको भी थोड़ा पढ़ना पड़ता है, इस वजह से हमको पता है कि इसका मल्टीप्लाई कितना आएगा, वो आएगा 10,080, ठीक है। ये हो गया हमारा यहाँ तक कंप्लीट आधा क्वेश्चन, अभी आधा और रह गया, क्योंकि क्वेश्चन में कहा है कि, देखिए ध्यान से मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, क्वेश्चन में कहा है ताकि सभी स्वर कभी भी एक साथ ना हो, स्वर एक साथ ना हो, तो स्वर को एक साथ रख के हम निकाल देते हैं, ठीक है, स्वर एक साथ ना हो
कंसोनेंट एक साथ हो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। लेकिन हमने टोटल क्यों निकाला, टोटल इसलिए निकाला अगर स्वर एक साथ आ रहे हों उनको मैं यहाँ से निकाल के फेंक दूँ तो आपको पता चल जाएगा कितनी कितने वर्ड यहाँ पे बन सकते हैं जिनमें स्वर एक साथ ना हो। ध्यान से देखिए, अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन तो यहाँ से हट ही जाएगा दोस्तों, यहाँ पे आपको कैपेसिटी को दोबारा लिखना, क्या करना है, कैपेसिटी को दोबारा लिखना। ध्यान से देखिए, अब मैंने आपको बताया था वॉवल के आधार पर कैसे करते हैं, वॉवल जो करते हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए, वॉवल क्या क्या है इसमें, डबल ए और आई, यही तो हैं, दो ए हैं। यहाँ से देखिएगा, इसको तो मैं यहाँ से हटाई देता हूँ, ठीक है। यहाँ से दो ए हैं और एक आपका आई है, ठीक है, यही तो है। अब देखिए कितने हैं, टोटल आठ है, एक दो तीन चार पाँच छः सात और ये आपका आठ। तो एक बार इस जगह आ सकते हैं, एक बार इस जगह एक दो तीन, ठीक है, एक बार इस जगह चार, एक बार इस जगह पाँच और एक बार इस जगह छः, छः बार, ठीक है। तो वॉवल का जो प्लेस आएगा, वॉवल का जो प्लेस आएगा वो प्लेस कितने आएंगे आपके, छः, छः फैक्टोरियल हो गया, ठीक है। दूसरा, ये कितने प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं, तीन, तीन है, तीन ही तो है, तो तीन प्रकार से व्यवस्थित हो, या तो ए आ गया या ए वाला ये या फिर आई, तो यहाँ से व्यवस्थित, व्यवस्थित व्यवस्थित हिंदी में लिख देता हूँ, व्यवस्थित मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, व्यवस्थित तीन प्रकार से, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, तो छः फैक्टोरियल इंटू तीन फैक्टोरियल, यही तो बताया था मैंने स्वर वाले में, क्वेश्चन को देख लीजिएगा एक बार, वीडियो रिपीट करिए, यही बताया था, मल्टीप्लाई कर देते हैं स्वर जब हम निकालते हैं एक साथ आ रहे होंगे, ये हो गया। लेकिन दोस्तों आपको बता दूँ, यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि रिपीटेड वर्ड कौन कौन से, तो यहीं से पता चल जाएगा, वैसे सी दो बार आ रहा है और ए दो बार, यहाँ से वॉवल से कंसोनेंट से फ़र्क नहीं पड़ेगा कितने कितने बार, आपको ध्यान रखना है जो रिपीटेड वर्ड है वो हमेशा नीचे ले जाएंगे, क्योंकि दोबारा से हमने कैपेसिटी को लिया है, रिपीटेड वर्ड आपको नीचे लेने पड़ेंगे। तो रिपीटेड वर्ड यहाँ पे नीचे हम ले लेते हैं, दो बार सी है और दो बार आपका ए है, ठीक है। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मैंने आपको बता दूँ कि यहाँ पर पहले ही बता दिया है कि मैंने यहाँ पर मल्टीप्लाई पहले करके रखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूरा आएगा 1080, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, कर लीजिएगा। छः, ये छः वाला जो होता है वो 720 हो जाता है, तीन का ये आपका छः हो जाएगा, नीचे ये आपका चार हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो 1080 आपका आ जाएगा। अब देखिएगा ध्यान से, अब मेन पॉइंट आता है भैया कि स्वर एक साथ ना हो, तो स्वर एक साथ कितने बार आ रहे हैं, 1080 बार, और टोटल वर्ड कितने बार बन रहे हैं, 10080 बार। तो हम क्या करेंगे, 10080 में से 1080 हम माइनस कर देंगे, 80 में से 80 माइनस हुआ और 10,000 में से 1,000 माइनस हुए, तो ये बचेगा आपका 9,000, ये आ जाएगा दोस्तों आपका आंसर। ऑप्शन देख लीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही, और यही एग्जामिनर का आंसर था, ठीक है। तो दोस्तों मैंने आपको वर्ड फॉर्मेशन बाय परम्यूटेशन, क्रमचय द्वारा शब्द निर्माण बहुत ही प्रॉपर तरीके से समझा दिया है। आप मुझे बताइएगा दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। फिर से कहूँगा, यदि आपको मेरा पढ़ाना पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक वीडियो एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।